जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ बहुत स्पेशल ट्रिक्स कर मौजूद हुआ हूँ। और ये जो स्पेशल ट्रिक्स हैं, ये हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन की। तो देखो मजा आ जाएगा आप लोगों को देखकर ये वाली ट्रिक्स। आप लोग कहोगे कि हाँ भाई वास्तव में मजा आ रहा है। देखिए बच्चों इधर, ये है ट्रिक्स, तब काम आएगी जब ये सब जगह वन 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 होगा, जब ये सब जगह वन वन होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं, जब भी ऐसा सवाल आ जाए स्पेशल ये वाली बात ध्यान रखना, यहाँ पर सब जगह वन वन है, बाकी जगह की भी बताएंगे। अगर वन की जगह कुछ संख्याएं होंगी की भी करेंगे, शुरुआत हम वन से करते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल होगा दोस्तों, हम सबसे लास्ट में ये वाली चीज लिखेंगे, सबसे लास्ट वाली चीज इस तरह से करके लिखेंगे। और दोस्तों जितने भी डॉट होंगे, जितने भी वन होंगे, उनकी जगह हम लगाएंगे बिंदी यानी डॉट। एक दो तीन चार पांच, कितने वन है? एक दो तीन चार पांच। तो एक दो तीन चार, हमने पांच डॉट यानी पांच बिंदु लगा लिए, हमने पांच बिंदु लगा लिए। और अब भी नहीं करना, दो और तीन पांच, हमने इन दोनों को जोड़ा, पांच और तीन आठ, हमने इन दोनों को जोड़ा, आठ और पांच तेरह, हमने इन दोनों को जोड़ा, तेरह और आठ इक्कीस, ठीक है। और फिर इक्कीस और तेरह चौंतीस, और फाइनल हमारा उत्तर आ जाता है चौंतीस बटे इक्कीस, हमारा फाइनली उत्तर आ जाता है चौंतीस बटे इक्कीस। उम्मीद करता हूं हर बच्चा अच्छे से समझ पा रहा होगा। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए इधर, दो तीन, एक दो तीन चार पांच, पांच पांच डॉट लगाइए, एक दो तीन चार पांच, अब इन्हें जोड़िए, दो और तीन पांच, पांच और तीन आठ, आठ और पांच तेरह, तेरह और आठ इक्कीस, इक्कीस और तेरह चौंतीस, हमारा उत्तर आ गया चौंतीस बट्टा इक्कीस। डॉ कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुरंत अगला क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका। आइए बच्चों सेम कहानी, कहानी क्या है, वन टू, वन टू लिखा, वन टू लिखा, इसके बाद एक दो तीन चार, चार बार वन है तो चार डॉट, एक दो तीन चार, जितने वन उतने डॉट, उसके बाद दो और एक तीन, इन दोनों का जोड़, इसके बाद दो और एक तीन, इन दोनों का जोड़, तीन और दो पांच, इन दोनों का जोड़, पांच और तीन आठ, इन दोनों का जोड़, आठ और पांच तेरह, तो आपका आ गया तेरह बटे आठ। और ये किसके बराबर चल रहा है दोस्तों? ये चल रहा है x के बराबर। तो द वैल्यू ऑफ x इज 13 अपॉन 8, x की वैल्यू तेरह अपॉन आठ। अब यहाँ पर बात आ गई है 2x प्लस 2 अपॉन 4 में वैल्यू पुट करने की। तो दोस्तों अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 गुणा x की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गुणा x की वैल्यू क्या दे रखी है, तेरह बटे आठ प्लस 7 बटा 4, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, एलसीएम आ गया चार, तेरह पंजे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन और करते हैं, तुरंत अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया, अब परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज है, अब थोड़ा सा बदलाव आया है कहानी में, क्योंकि हर जगह पर आपको एक नहीं मिल रहा, तो भी आपको कुछ करने की, डरने की या घबराने की नीड ही नहीं है। आइए देखते हैं क्या करेंगे, पे ही कहानी रहेगी तीन और पांच, सबसे लास्ट में क्या है एक और पांच, तो एक और पांच, अब कितनी बार है, एक दो तीन है। तो जो चीज आपने यहां वन 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 करके लिखी थी उसको आप यहां पर ऐसे कर लीजिए, टू वन थ्री, इसको ऊपर की लाइन में लिख लीजिए और अब शुरू हो जाइए इसी कहानी पर। देख पांच दुनी दस में एक जोड़े ग्यारह, दो पंजे दस में एक जोड़े ग्यारह, डन बच्चों। अब ग्यारह एकम ग्यारह में पांच जोड़े सोलह, ग्यारह एकम ग्यारह में पांच जोड़े सोलह, ठीक है बेटा। और सोलह तिया अड़तालीस में ग्यारह जोड़े 59, सोलह तिया अड़तालीस, सोलह तिया अड़तालीस में ग्यारह जोड़े 59, और आपका आ जाएगा 59 अपॉन 16, 59 बटे 16। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, जो भी कहानी हो जिसके अंदर वन 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 ना रखा हो उसमें ऊपर रख के मल्टीप्लाई करके अगले को जोड़ो, दो पंजे दस में एक जोड़े ग्यारह, ग्यारह एकम ग्यारह में पांच जोड़े सोलह, सोलह तीन अड़तालीस में ग्यारह जोड़े 59 बटे 16। एक क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे चीजें, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी माइनस की कहानी है, माइनस की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस किया
ये देखिए इधर माइनस 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 माइनस, कहीं कोई परेशानी नहीं आने देंगे आप लोगों को। कहानी वही शुरू होगी, टू थ्री टू थ्री, कितने डॉट डालेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं। तीन में से दो गया एक, तीन में से दो गया, तीन में से दो गया एक, एक में से तीन गया माइनस का दो, एक में से तीन गया माइनस का दो, माइनस के दो में से माइनस का एक गया, माइनस के दो में से माइनस का एक, माइनस के दो में से एक गया, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का तीन। ठीक है ना, देखो इधर माइनस दो माइनस एक, माइनस माइनस प्लस माइनस का तीन, और माइनस तीन माइनस माइनस दो, माइनस तीन में से माइनस होगा माइनस का दो, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस तीन प्लस दो ये आ जाएगा माइनस का एक, ये आ जाएगा माइनस का एक। और दोस्तों माइनस एक बटे माइनस तीन, माइनस से माइनस कट गया, आपका उत्तर आ गया वन अपॉन थ्री। कैसी रही बच्चों, इस माइनस वाले सवाल में क्या रखना होता है, दो में से तीन, तीन में से दो गया एक, एक में से तीन गया माइनस दो, माइनस दो में से माइनस दो में से एक गया माइनस माइनस प्लस माइनस का तीन, माइनस तीन माइनस दो माइनस माइनस प्लस, तीन में से दो गया माइनस का एक, और फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। डन बच्चों, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना बच्चों, अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आइए चेक करते हैं। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि अपनी कहानी तो यहाँ तक की है, तो हम पहले इस वाली कहानी को सॉल्व करेंगे, हम पहले इस वाली कहानी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका तो तुम्हें बता ही रखा है, क्योंकि तो सब जगह वन थ्री और टू दिया है, वन वन नहीं दे रखा। आइए सबसे पहली कहानी क्या होगी, सबसे लास्ट वाला वन फोर, सबसे लास्ट वाला लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऊपर क्या लिखा जाएगा टू, ऊपर क्या लिखा जाएगा थ्री, ऊपर क्या लिखा जाएगा वन, और ये कहानी केवल इतने की है, इस पोर्शन को बाद में सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए, चार दुनी आठ में एक जोड़ा नौ, चार दुनी आठ में एक जोड़ा नौ, नौतिया सत्ताईस में चार जोड़े, नौतिया सत्ताईस में चार जोड़े इकतीस, इकतीस से कम इकतीस में नौ जोड़े चालीस। ठीक है ना बच्चों, दोबारा से ध्यान दीजिए, चार दुनी आठ में एक जोड़ा नौ, नौतिया सत्ताईस में चार जोड़े इकतीस, इकतीस से कम इकतीस में नौ जोड़े चालीस, तो मेरा आया चालीस बटा इकतीस। इतना पोर्शन आया दोस्तों चालीस बटा इकतीस, चार माइनस पांच बटा चालीस बटा इकतीस। अब कहानी ये होती है कि अपॉन की चीज, अपॉन की अपॉन की चीज पलटकर ऊपर पहुंच जाती है, पलटकर ऊपर पहुंच जाती है, चार माइनस पांच गुणा इकतीस बटे चालीस। डन बच्चों, और ये होता है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये होता है इसके साथ मल्टीप्लाई, या एलसीएम भी बोल सकते हो, चालीस चौके एक सौ साठ माइनस पांच कम पांच, पांच दिया पंद्रह अपॉन चालीस, एक सौ साठ में से एक सौ पचपन चले गए पांच बटा चालीस, श्रद्धा हो तो काट दो वन अपॉन एट। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ फिट तरीके से बच्चे छाप देंगे इसे पेपर की खोपड़ी पे। आगे बच्चों, तुरंत अगला क्वेश्चन करते हैं, आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना बच्चों, आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर तुरंत अगला क्वेश्चन। अब देखिए इधर दोस्तों, एक बटा सात है तो एक साथ, और ये दो ऊपर और ये तीन ऊपर, और लास्ट में इसको पलटा जाएगा, क्योंकि मैं जो सॉल्व करूंगा वो इतने पोर्शन को सॉल्व करूंगा। तो अब देखिए, सात दुनी चौदह चूंकि माइनस है, सात दुनी चौदह चूंकि माइनस है, सात दुनी चौदह में से एक गया तेरह। ठीक है ना बच्चों, सात देखिए इधर, सात दुनी चौदह, चौदह में से एक गया तेरह, तेरह थी उनतालीस में से सात गया बत्तीस, बत्तीस बटा तेरह, बत्तीस बटा तेरह, और एक ऊपर भी मौजूद है, एक बटा बत्तीस बटा तेरह, और बटे के बटे की चीज पलटकर कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, तो मेरा आ जाएगा तेरह बटे बत्तीस। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, हमारा उत्तर आएगा तेरह बटे बत्तीस। चलिए एक सवाल और करते हैं इसी तरह से, धड़ाधड़ चलते रहो, मैथ्स को तो धोके सुखा दो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छे से मैथ्स की धुलाई कर दो सर्फ एक्सेल से। अब बच्चों, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है,
9 अपॉन 26 पूछ रहा है। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग सीएफ लिया करते थे मैसे पे महत्तम समापवर्तक, उस तरह की कहानी चलेगी। इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब तक आपको ये सारी वैल्यूज दे दी जाती थी, अब की बार ये वैल्यूज पूछी गई है। आइए शुरू करते हैं जैसे मैंने मैसे पे सिखाया था आप लोगों को, उस तरह से आप इसका एचसीएफ लेना शुरू कीजिए। मैसे पे की तरह चलेगी कहानी। 9 दुनिया 18, 16 में से 8 गए 8, 9 दुनिया 18, 16 में से 8 गए 8। अब यहां पर फिर 9 आ जाएगा, 8 एकम 8, एक बचा। अब ये वाला 8 फिर से आ जाएगा, 1 8 8, ठीक है ना बच्चों। तो अब इतनी सिंपल कहानी हो गई। ये वैल्यू 2 की है, ये वैल्यू बी, ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है, और ये वैल्यू किसकी आ गई, सी की। कहीं कोई दिक्कत? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू अपनी आंखों के सामने रखी हुई है। तो बच्चों अब बंदा कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी और सी। तो ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 8, और इन तीनों का जोड़ होता है 8 और 1 9 और 2 9 2 11। हिंदी का मुहावरा भी है, भाग जाना ऐसे, ये सवाल भाग जाएगा तुरंत आपसे हो जाएगा। डन बच्चों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिर्फ एचसीएफ की तरह आपको करना है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, आपको हल्का सा कैसे करके लेके चलना है। 9 बटा 26 है, 9 को 26 से भाग करा, 9 दुनी 18, 8 बचे, ये वैल्यू एक ही है, ये 9 यहाँ ले लिया, 8 एकम 8, एक बचा, ये बी की वैल्यू है, और फिर दोबारा से 8 ले लिया, 1 8 8, ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। डन बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आइए हम वैल्यू पुट करके भी दिखा देते हैं। आप पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 8, 8 2 10 और 11, यही है उत्तर हमारा। आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा सिद्ध करके दिखाऊं कि कैसे मैंने सोचा इसको। अब ये देखिए, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 8, ठीक है ना, सी का वैल्यू 8 को सिखा रखा है, 1 8 1 2, 1 8 1 बटे 8 और 1 ये और 2 ये, और लास्ट में हम इसको अपॉन करेंगे, 8 एकम 8 में 1 जोड़ा 9, 8 एकम 8 में 1 जोड़ा 9, 9 दुनी 18, 9 दुनी 18 में 8 जोड़े 26, तो आपका हो जाएगा 26 बटे 9, 26 बटे 9, और इस अपॉन वाले की जगह ये बटे की चीज पहुंच जाएगी, तो ये भी बात हमारी हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। चलिए एक सवाल और करेंगे ऐसा ही दोस्तों, एक सवाल और देखिए इसी तरीके का। चलिए बिल्कुल सेम वही कहानी, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक। अब कैसे होगा, अब 17 को 60 से भाग करना शुरू की, 17 17 तिया 51, 17 ती 51 9 बचा, 17 तिया 51 9 बचा, ये वैल्यू है ए की, ठीक है। इसके बाद 9 को दोबारा से 17 से ले लेंगे, 9 एकम 9, 17 में से 9 गए 8, ये वैल्यू आ गई बी की। अब दोबारा से 9 ले लिया जाएगा, 8 एकम 8, ये वैल्यू आ गई सी की, ठीक है। और फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर फिर से 8 आ जाएगा, 1 8 8, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई डी की, ये वैल्यू आ गई डी की। अब बच्चों ए की वैल्यू 3, उसने मुझसे पूछा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अब वो प्लस का है प्लस कर दो, माइनस का है माइनस कर दो, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई कह रहा है मल्टीप्लाई करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए इज 3, द वैल्यू ऑफ बी इज 1, वैल्यू ऑफ सी इज 1, वैल्यू ऑफ डी इज 8, 8 एकम 8 एकम 8 दिया 24। तो बच्चों आपका ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और करते हैं इसी तरह, मैथ्स को ऐसा करो कि मैथ्स तुमसे डरे, तुम मैथ से ना डरो, तुमसे मैथ डरे। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, तुरंत आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, ठीक। तो बच्चों अब हम अगला सवाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, हल्का फुल्का सा जो आपको चेंज मिलेगा वो हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, बिल्कुल वही कहानी। 30 को 43 से भाग करना है, 30 को 43 से भाग करना है, 30 एकम 30 13 बचे, 30 एकम 30 13 बचे, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ठीक है। अब वहां पर क्या लेना है, 30 लेना है, 13 13 दुनी 26,
तेरह दुनी छब्बीस, क्या बचे? चार बचे। ये किसकी वैल्यू है? दो बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? दो बी की वैल्यू। ठीक है, अब चार बचे। अब ये चार लिया, चार लिया तेरह, यहां पर लो दोबारा से, चार तिया बारह, चार तिया बारह, चार तिया बारह, शेष बचा एक। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है तीन सी की। ठीक है, एक बचा। और अब एक चौके चार, एक चौके चार, तो ये किसकी वैल्यू आई? डी की। ये किसकी वैल्यू आई? डी की। अब ध्यान देने की बात यह है कि ए की वैल्यू क्या है? एक, प्लस बी की वैल्यू क्या है? दो बराबर दो बी के, तो दो से दो कट गया, बी की वैल्यू क्या आएगी? एक, प्लस तीन बराबर तीन सी के, तीन से तीन कट गया, तीन एकम तीन, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? एक, प्लस डी की वैल्यू क्या दे रखी है? चार, तो चार पांच छह सात, कुल मिलाकर मेरा उत्तर क्या है? सात। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। जय श्री राम, जय हिंद। अगली सरलीकरण के कुछ और सवाल बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जय श्री राम बच्चों।